थोक कीमतों में इजाफा दूध की बढ़ती खपत और भीषण गर्मी के कारण हुआ है। वहीं मवेशियों के चारों की कीमतों में वृद्धि ने दूध की खरीद कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है। भारत में डेयरी कंपनियों ने पिछले 5 महीनों में दूध की बिक्री कीमतों में लगभग 5 से 8% की बढ़ोतरी की है। वहीं ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट में जानकारी दी कि हमारा मानना है कि डेयरी कंपनियों को दूध की खरीद की कीमतों में को बढ़ाने के लिए आने वाली तिमाहियों में फिर से बिक्री कीमतों को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं पिछले 12 महीनों में वैश्विक स्तर पर स्किम मिल्क पाउडर यानी कि SMP की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई है। डेयरी कंपनियों को बढ़ती कीमतों से फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि कंपनियों की रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन खरीद कीमतों में वृद्धि के साथ साथ परिवहन और पैकेजिंग लागत के कारण उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को झटका लग सकता है और ये इस वित्त वर्ष में लगभग 5% हो सकता है। वहीं इस गर्मी में अधिक गर्म तापमान के कारण आइसक्रीम, दही और फ्लेवर्ड दूध की मांग चरम पर होगी। पिछले 2 गर्मियों में COVID-19 से ये प्रभावित भी हुई थी। वहीं घरेलू खपत आधारित उत्पादों जैसे कि घी और पनीर के लिए स्थिर मांग वृद्धि के साथ साथ होटल्स, रेस्तरां और कैफे में भी दूध के प्रोडक्ट्स की मांग में सुधार हुआ है। साथ ही पिछले वित्त वर्ष की कीमतों में बढ़ोतरी इस वित्त वर्ष में 13 से 14% तक राजस्व में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।